तो आज मैं आपको आईफोन पर एडिटिंग करनी सिखाऊंगा कि आप आईफोन पे ऐसी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये रिजल्ट ओरिजिनल है और ये एडिटिंग वाला रिजल्ट है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो मैं सबसे पहले इस फोटो को जब मैं रिवर्ट करता हूँ, एडिट पर क्लिक करके रिवर्ट पर क्लिक करता हूँ और ये ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फोटो जब ओरिजिनल है, अब हमने इसको अपने आईफोन में एडिट करना है और आपने गौर से देखना कि मैं कैसे इस फोटो को एडिट करता हूँ। जैसे जैसे मैं इस फोटो को एडिट करता जाऊँगा, आपने भी इसी तरह अपनी फोटो अपनी या अपनी वीडियो को आपने ऐसे एडिट करना है। पर आपने एडिट वाले ऑप्शन पर टच करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद नीचे सबसे आपने ये देखना है कि ये स्क्रोव वाला ऑप्शन है, इसके साथ ही फिल्टर वाला आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने टच करना है। टच करने के बाद पहले नंबर वाला जो फिल्टर है वो आपने सेट कर देना है। तो इस वक्त ओरिजिनल पर सेट है, उसके साथ ही नंबर वन वाला फिल्टर, इस पर मैं टच करता हूँ। टच करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद नीचे आपने फिल्टर के साथ वाले ऑप्शन पर टच करना है। टच करने के बाद आपने ऑटो पर क्लिक नहीं करना, उसके साथ ही एक्सपोजर पर आपने क्लिक करने के बाद एक्सपोजर को आपने सेट कर देना है 30 पर। एक्सपोजर को 30 पर सेट करने के बाद साथ में आपको नज़र आ रहा है ब्रिलियंस, इसको भी आपने तकरीबन 19 पर सेट कर देना है। ब्रिलियंस को 19 पर सेट करने के बाद साथ में आपको हाईलाइट नज़र आ रही है, हाईलाइट को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो मैंने इसको 27 पर कर देता हूँ। उसके साथ आपको नज़र आ रहा है शेडो को आपने बढ़ा देना है। शेडो को जहाँ तक आपने अपनी फ़ोटो को चेक करना है, अगर आपकी तस्वीर जब थोड़ी सी अंधेरे में खींची हुई है या थोड़ा सा उसका रिजल्ट लो है तो उसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको अपने हिसाब से शेडो को ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नज़र आ रहा है कंट्रास्ट को आपने अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो मैंने -44 पे इसको फिलहाल सेट कर दिया। उसके बाद ब्राइटनेस नज़र आ रही है आपको, -14 पे मैंने सेट कर दिया ब्राइटनेस। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ब्लैक पॉइंट, इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है सैचुरेशन आपको नज़र आ रहा है, इसको भी आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है वाइब्रेंसी, इसको भी आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है वार्थ, इसको आपने माइनस पे लेके जाना है। तो मैं इसको -30 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है टिंट, इसको आपने थोड़ा सा बढ़ाना है, बस इससे फेस जो आपका रेड हो जाता है। तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा है शार्पनेस को आपने अपनी फ़ोटो के हिसाब से इंक्रीज़ करते जाना है। तो शार्पनेस को मैं तकरीबन 60 तक ले जाता हूँ, 60 पर शार्पनेस को मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है डेफिनेशन, इसको भी आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, मैं तकरीबन 15 तक लेके जाता हूँ। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है नॉइस रिडक्शन, इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। और आपके सामने ये देख सकते हैं कि सारा काम करने के बाद आपके सामने फ़ोटो कैसी एडिट हो गई। अब मैं आपको इसकी असल फ़ोटो भी दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी असल फ़ोटो है और ये इसकी एडिटिंग वाली फ़ोटो है। तो ऐसे ही आप अपने आईफोन में फ़ोटो जो है एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपने डन पर क्लिक करना है और डन पर क्लिक करने के बाद आपकी ये फ़ोटो जो है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि यही एडिटिंग सेम टू सेम किसी दूसरी फ़ोटो में भी आप लगाना चाहते हैं, मतलब एडिटिंग करने के बगैर आप चाहते हैं कि ऐसी ही एडिटिंग सेम टू सेम दूसरी तस्वीर पर भी हो जाए और मेहनत आपको ना करनी पड़े, तो आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कॉपी एडिट्स पर क्लिक करना है। ये मैं कॉपी एडिट पर क्लिक करने के बाद ये एडिटिंग जो मैं कॉपी कर ली मैंने, तो कॉपी करने के बाद मैं कोई भी दूसरी फ़ोटो जो वो सिलेक्ट करता हूँ। तो फ़र्ज़ करें मैंने ये फ़ोटो जो सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद पेस्ट एडिट पर क्लिक करने के बाद ये सारी के सारी वो एडिटिंग जो वो दूसरी फ़ोटो में आपके सामने आ जाएगी। तो ये फ़ोटो जो मैं पहले से ही एडिटिंग मैंने की हुई थी, इस वजह से आपके सामने थोड़ा सा लाइट रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिजल्ट ये दे रहा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडिटिंग ये दे रहा है। तो आप कोई भी अपनी सिंपल फ़ोटो में इस एडिटिंग को पेस्ट कर सकते हैं और आपकी वो फ़ोटो भी पहली फ़ोटो की तरह ही सेम टू सेम एडिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।